नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज में मेहरोज आपके साथ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से निकल कर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, साथ ही साथ आपको बताते चले कि बाराबंकी में देवा थाना पुलिस टीम द्वारा शातिर डकैतों को किया गिरफ्तार। मुजीबपुर मजरे शेखपुर थाना देवा जनपद बाराबंकी, आपको बताते चले कि बदमाशों ने शिव प्रसाद के घर में घुसकर रखा सामान जेवरात व नकदी लूट कर ले गए। डकैतों ने परिजनों को डंडों से मारा पीटा, साथ ही साथ आपको बता दें कि जिससे कि चंद्रावती की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अनुराग वत्स जी मीडिया कर्मी से प्रेस वार्ता करते हुए पूरी जानकारी दी। आइए देखते हैं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या कहा। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार यादव की इस खास रिपोर्ट में, और समझते रहिए पूरी जानकारी विस्तार से, और बने रहे हर पल मेहरोज के साथ। आप जानते हैं कि थाना देवा क्षेत्र में ये 10 और 11 की रात्रि को ये एक डकैती विद मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था, और ये घटना अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव घटना थी जिसको बाराबंकी पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया, और हमारे सभी ऑफिसर्स, हमारे फील्ड ऑफिसर्स और हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने इस घटना को लेकर बहुत कॉन्टीन्यूसली अपनी मॉनिटरिंग रखी, और उसी के फलस्वरूप हमारी जो स्वाट टीम थी और जो हमारी थाने की टीम थी, हमारे सीओ साहबान और एडिशनल साहब के सुपरविजन में इस घटना को वर्कआउट करने में सफल हुए हैं। इस घटना के बारे में आपको बता दूं कि ये एक गैंग है जो मूलतः, जो अगर हम देखें तो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, लेकिन अब ये पिछले कुछ वर्षों से ये लोग इटावा, कानपुर और बदायूं के आसपास ये लोग रहते हैं, और यूँ कहें कि ये निश्चित रूप से कहीं एक जगह नहीं रहते हैं, लगातार अपने डेरों को चेंज करते हैं, और इसी गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। ये लगातार गैंग बाराबंकी में भी कई बार आया, इसके अलावा आसपास के जनपद सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इन जनपदों में भी ये गैंग आया है, और वहाँ पर ये लोग बच्चों को कर्तव्य दिखाने के नाम पर वहाँ डेरे बना लेते हैं, और दिन में तो ये सभी कर्तव्य दिखाते हैं, और रात में उन घरों को जहाँ ये रेकी कर चुके होते हैं दिन में, उन घरों में जाके डकैती और चोरी जैसी घटना को अंजाम देते हैं। यही यहाँ देवा वाली घटना में भी हुआ, ये यहाँ कुछ महीने पहले आके रुके थे, यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखाते थे और दिन के में ये रेकी करते थे। इसके बाद इन्होंने इस घर को चिन्हित किया, और जो साथी जो जितने भी थे ये, इन सभी ने एक साथ मिलकर ये योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें कि जेवरात, नकदी और सामान उन्होंने लूटा, और एक महिला जिनकी नाम चंद्रावती था उनकी हत्या भी कर दी। पुलिस ने इस घटना का बहुत सफल अनावरण किया, और मैं साथ में बता दूं कि चूंकि ये गैंग अभी इलाहाबाद में भी इसकी होने की सूचना मिली थी, तो वहाँ से भी संबंधित एक घटना का खुलासा हुआ है जहाँ पर इन्होंने इस घटना को खारिज किया था। प्रयागराज की टीम को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है, उस घटना का भी खुलासा इनके पकड़े जाने के बाद हो रहा है। जो ये पकड़े गए अभियुक्त हैं, इनके नाम है आसिफ, सिंधबाज, नुमाइश, सोधिन और साजिद। इसमें साजिद नाम का जो अभियुक्त है ये अभी वांछित है, इसको अभी जेल भेजा, इसको पकड़ने के लिए हमने इस पर इनाम भी घोषित किया है, और इसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जहाँ तक रिकवरी की बात है तो मैं आपको बता दूँ, इसमें एक जोड़ी सुई धागा, पीली धातु, अंगूठी, साड़ी के पिन, नथुनी, नाक की की, कान का बूंदा, 20,000 रुपये नकद, और जो आला कत्ल डंडा था ये सब, और तमंचे, ये सब बरामद किए गए। साथ ही ये लोग इस चीज़ में भी माहिर हैं कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, उन फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से ये लोग नए नए सिम लेते हैं, और उन सिम के माध्यम से फिर ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो पुलिस ने ये भी चीज़ इस कड़ी में पता कराने में सफल हुए हैं कि ये जो आधार कार्ड का जो ये यूज़ करते हैं, इसकी भी प्रॉपर सेक्शन इसमें अप्लाई किए जाएंगे, और उन मुकदमा भी इनकी रिमांड ली जाएगी। इस टाइप के मेंबर्स हैं कुछ और इंटरलिंक्ड, कुछ गैंग्स बनाए हों, कुछ तो छेमार ग्रुप, नट, फकीर, इस तरह की जो ये आदिवासी जनजातियाँ हैं, इनमें से कुछ लोग इस तरह के क्राइम में संलिप्त हैं, और ये पूरा एक नेटवर्क बना के जगह जगह डकैती की घटनाएं अंजाम देते हैं। पूर्व में भी आसपास के जनपदों में आपको अनुभव होगा, जानकारी होगी कि ऐसी घटनाएं ये करते रहे हैं। ये लोग जब घटनाएं करते हैं तो ये कोई बहुत बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं करते हैं जनरली, ये लोग डंडा, जो पेड़ पे जो डंडा होता है उसको, टहनी को तोड़ के डंडा बना लेते हैं, और निकर और बनियान पहन के ये लोग घटनाएं करने जाते हैं, और ये मॉडल सप्रेंटी की तरह घटना करते हैं। इनका घटना करने का भी तरीका है कि ये लोग सर में ही डंडा मारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि या तो व्यक्ति मर जाए, और अगर नहीं मर, या तो व्यक्ति बेहोश हो जाए, और अगर वो बेहोश नहीं होता है तो फिर ये उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क है, हमें उम्मीद है कि जो हमें कुछ नंबर मिले हैं, जो हमारे पास कुछ डिजिटल इनपुट्स आए हैं, उनको हम जब फर्दर कनेक्ट करेंगे अपने सर्विलांस टीम के माध्यम से, तो हमें इन गैंग के अन्य सदस्यों का भी पता चलेगा, उनके जो वो रह रहे हैं, उन रहने वाले स्थानों का पता चलेगा, और इसको हम शेयर करेंगे आसपास के राज्यों की टीम से भी, और अपने प्रदेश के अन्य जनपदों की टीम से। सर, ये आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं तो क्या पढ़े लिखे भी हैं कुछ? देखिए, इनकी कोई डिग्री या कोई ऐसा सर्टिफिकेट तो जानकारी में नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये सामान्यतः जो लिखने पढ़ने की जितनी क्वालिफिकेशन है उतना तो ये कर लेते हैं, इनको पढ़ना भी आता है, ये लिख भी लेते हैं। और जो आधार कार्ड ये फर्जी बनाते हैं, इस गिरोह पे भी हम लोग काम करेंगे कि किस प्रकार से ये एक आधार कार्ड बनाने में सफल हो पाते हैं, किस तरह से डिटेल ये देके बना लेते हैं,
उस पर भी हमारी एक टीम काम करेगी। और जो इतना बड़ा खुलासा किया है हमारी इस टीम ने, इस विशेषकर जो हमारे SO हैं और हमारे SWAT प्रभारी अनिल पांडे हैं, इनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है इनके प्रोत्साहन राशि का। और साथ ही मैं संस्तुति करूंगा कि IG सर से भी कि इनको आगे इस इनाम की राशि और बढ़ाई जाएगी। बहुत अच्छा काम था, बड़ा ये टफ चैलेंज था जिसको बाराबंकी पुलिस ने बहुत सक्सेसफुल। जैसा कि आपने बताया कि व्यक्ति फरार है, उस पर इनाम घोषित किया, कितने का इनाम? अभी उस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और जल्द ही उसको बाराबंकी पुलिस गिरफ्तार करने में सफल।